रामानंद सागर की रामायण ने 90 के दशक में हर किसी को अपना फैन ही बना दिया था। अरुण गोविल ने प्रभु श्री राम और दीपिका चिखलिया ने माता सीता का किरदार निभाया था। 90s में रामायण शो ने दूरदर्शन की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा दिया था। तो अब रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर रामायण की अनकही कहानी को लेकर एक बार फिर से टीवी पर आने वाले हैं। प्रेम सागर ने हाल ही में हमारे सहयोगी टाइम्स को इंटरव्यू दिया और इस बारे में खुलकर बातचीत भी की, जहां पर उन्होंने कास्ट से लेकर अनकही कहानी के बारे में भी खुलकर बातचीत की। प्रेम सागर ने हाल ही में हमारे सहयोगी ई टाइम से बातचीत की, जहां प्रेम सागर ने कहा कि उनके पिता की रामायण वो फिर से लेकर नहीं आ रहे हैं, वो रामायण नहीं बनाई जा सकती, उस आइकॉनिक शो को छेड़ना बेवकूफी होगी। रामायण में कई अलग विषय हो सकते हैं, जहां महाकाव्य को माता सीता, भगवान हनुमान और रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त काक भुशुंडी के नजरिए से बताई जा सकती है। प्रेम सागर ने बताया कि वो कुछ ऐसा प्लान कर रही हैं, जहां रावण के मरने के बाद उनकी बहन शूर्पणखा तांडव करती है, नाचती है और हंसते हंसते कहती है कि उसका भाई मर गया। इससे ऑडियंस शॉक्ड हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रावण ने शूर्पणखा के पति को भी मारा था। प्रेम सागर ने अपने इंटरव्यू में प्रभु श्री राम के किरदार को लेकर भी बातचीत की, जहां प्रेम सागर ने कहा कि वो अरुण गोविल को कास्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही किरदार को निभा चुके हैं और वो किसी अन्य की तलाश कर रहे हैं। प्रेम सागर ने साथ ही इंटरव्यू में ये भी कहा कि टाइटल सॉन्ग भी वो सोच रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री राम के बारे में बताया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिन रात उनकी टीम प्रभु श्री राम के किरदार के लिए परफेक्ट इंसान को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उनको कोई परफेक्ट इंसान मिलेगा, वो उसकी अनाउंसमेंट भी जरूर करेंगे। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं? आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT एंटरटेनमेंट। टिल देन, दिस इज मी प्रेरणा कौशिक साइनिंग ऑफ।